नमस्कार, मैं ईश्वर शेलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इस यूनिट में जैकोबियन टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम जैकोबियन टॉपिक का है, ये कैसे पहचानोगे? सो जब भी आपको प्रॉब्लम में प्रूव दैट करने के लिए पूछा गया जे जे डैश इक्वल टू वन, तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट जैकोबियन टॉपिक का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्टेप वन में फाइंड करना है, फाइंड जे, राइट। सो सबसे पहले आपको फाइंड जे करना है। सो जे फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया है एक्स का वो लिखना यू कॉस वी, और यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है वाई का यू साइन वी, ये आपको एज इट इज लिखना है। देन अब आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन किसके दिए वो चेक करना है, एक्स का दिया हुआ है और वाई का, तो आपको डैबा पहले एक्स देन कॉमा किसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई का अपॉन आपको डैबा लिखना है और ब्रैकेट में एक्स। एक्स के इक्वेशन में कौन से दो वेरिएबल है वो चेक करना है, एक यू और एक वी, एक्स के इक्वेशन में भी और वाई के इक्वेशन में भी यू और वी वेरिएबल है, राइट। सो यहाँ पे लिखना है आपको यू कॉमा वी। सो ये इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स जे का, राइट। सो ये इक्वेशन हो गया आप जे का और इक्वल्स टू, अब आप देखिए स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डैबा और एक्स, यहाँ पे एक्स देखना है, एक्स के इक्वेशन में आपको देखना है और यहाँ पे क्या चेक करना है यू। सो एक्स के इक्वेशन में आपको चेक करना है यू की टर्म है क्या, तो देखिए एक्स के इक्वेशन में यू की टर्म है, सो यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव। सो देखिए यू का डेरिवेटिव होता है वन, यू का डेरिवेटिव होता है वन, और उसके साथ में जो टर्म है कॉस वी वो आपको लिखने एज इट इज, वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको फिर से एक्स के इक्वेशन में देखना है स्टूडेंट, एक्स के इक्वेशन में, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट वी, तो अब आप वी की टर्म देखिए मीन्स कॉस वी की टर्म, राइट। सो कॉस वी के साथ कौन है यू, वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, और कॉस वी का डेरिवेटिव लिखना है आपको साइन माइनस साइन वी, ये डेरिवेटिव होता है कॉस का। क्या क्या मैंने देखिए, सबसे पहले आपको एक्स की तरफ जाना है मीन्स एक्स के इक्वेशन में जाना है और क्या चेक करना है यू, तो आपने यू चेक किया मीन्स यू का डेरिवेटिव, तो उसके साथ में जो टर्म है वो तो आपने लिख ली, मगर यू का डेरिवेटिव कितना होता है वन, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको फिर से एक्स के इक्वेशन में जाना है और अब क्या चेक करना है वी, तो वी की टर्म में देखिए कॉस वी, तो आपको u तो एज इट इज लिखना है मगर cos v की टर्म का डेरिवेटिव, तो cos v का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन v। अब आपको y की तरफ जाना है, y की तरफ देखिए y का इक्वेशन, और y के इक्वेशन में आपको चेक करना है u, u की टर्म है क्या, यस u की टर्म है y के इक्वेशन में, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, u का डेरिवेटिव तो हो जाएगा वन, मगर उसके साथ कौन सी टर्म है साइन v, वो आपको लिखनी है एज इट इज साइन v, ओके। अब आपको फिर से y के इक्वेशन में देखना है और y के इक्वेशन में अब आपको चेक करना है v, तो आपको v की टर्म है साइन v, तो u आपको एज इट इज लिखना है और साइन v का मीन्स v की टर्म का डेरिवेटिव, सो साइन v का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट cos v। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, तो देखिए पहले इसका और इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको देखिए cos v इंटू cos v, cos v इंटू cos v, ये u जो है स्टूडेंट्स ये आपको पहले लिख देना u, और cos v इंटू cos v हो जाएगा स्टूडेंट्स cos square v। अब आपको एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपको देना है माइनस, एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपको देना होता है माइनस, फिर से साइन v इंटू u ऑफ माइनस साइन v, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो u तो आपने पहले लिख लेना है और ये यहाँ पे जो माइनस है वो भी, और साइन v इंटू साइन v क्या होगा साइन स्क्वेयर वी, यही से। सो नेक्स्ट स्टेप में देखे यू कॉस स्क्वेयर वी एज इट इज, ये माइनस और माइनस क्या होगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, और ये यू और यहाँ पे साइन स्क्वेयर वी एज इट इज। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो यू कॉमन ले लीजिए, यू कॉमन लिया तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी
कॉस स्क्वेर वी ए प्लस ए यू आपने कॉमन ले लिया मतलब बाहर ले लिया तो यहाँ पे कौन से टर्म बचेगी साइन स्क्वेर वी। कॉमन लेना मतलब यहाँ पे भी यू है यहाँ पे भी यू है तो आप एक ही बार लीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए। सो यहाँ पे यू आपने लिख लिया तो यहाँ पे कौन से टर्म बची कॉस स्क्वेर वी तो आपने लिख ली। देन प्लस प्लस आपने ही यू ब्रैकेट के बाहर लिखा यहाँ पे ए यू तो यहाँ पे कौन से टर्म बची साइन स्क्वेर वी तो ये यू एज इट इज कॉस स्क्वेर वी प्लस साइन स्क्वेर ई इसका फॉर्मूला होता है वन। कॉस स्क्वेर वी प्लस साइन स्क्वेर वी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स वन होता है ये याद रखे और यू इन टू वन ये आंसर आएगा आपका यू। तो स्टूडेंट आपको जे क्या मिला स्टूडेंट यू। सो ये वैल्यू हो गई जे की। सो ये जे की वैल्यू आपको अब मिल गई राइट। अब आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है स्टेप टू में। देखिए यहाँ पे स्टेप टू बहुत सिंपल है। अब आपको फाइंड करना है फाइंड जे डैश और जे डैश फाइंड करने की स्टेप्स देखिए। जो भी इक्वेशन है वो आपको पहले एज इट इज लिखना है एक्स इक्वल टू यू कॉस वी और यहाँ पे वाई का इक्वेशन लिखना है यू साइन वी राइट स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है ये यू कॉस वी एज इट इज लिखना है एक्स इक्वल टू के इस साइड आते तो होगा माइनस एक्स यहाँ पे फिर से यू साइन वी आपको एज इट इज लिखना है ए वाई इक्वल टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई। सो ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट एफ वन का और ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट एफ टू का। एफ वन और एफ टू आपको मिल गए स्टूडेंट्स। अब आप देखे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है यहाँ पे आपने लिखा है जे तो यहाँ पे आपको लिखना है जे डैश राइट सिर्फ इतना है ध्यान से देखिए। सो आपको क्या करना है जे डैश लिखा तो आपको ये उल्टा लिखना है ये जो इक्वेशन आपने लिखा डैबा का ये आपको उल्टा लिखना है। कैसे देखिए यहाँ पे ऊपर कौन सी टर्म है डैबा एक्स कॉमा वाई तो देखिए ये डैबा एक्स कॉमा वाई आपको नीचे लिखना है एक्स कॉमा वाई राइट और यहाँ पे जो डैबा यू कॉमा वी है वो आपको लिखना है ऊपर। सो यू कॉमा वी ध्यान से देखिए राइट। अब आपके फंक्शन कितने दो फंक्शन है फंक्शन वन और फंक्शन टू। सो दो फंक्शन हो गए तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर दो फंक्शन आपके हो गए राइट ना। सो दो क्या होता है इवन एक ही ऑड है सो दो होता है इवन नंबर राइट। सो इवन फंक्शन है तो आप लिखोगे पॉजिटिव क्या लिखोगे आप पॉजिटिव। अगर तीन फंक्शन रहते तो तीन फंक्शन क्या होते ऑड और ऑड होता तो आप निगेटिव लिखते। अब आपके फंक्शन कितने एक और दो सो दो फंक्शन हो गए तो आप इवन इवन मीन्स पॉजिटिव तो यहाँ पे आपको लिखना है पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है ओके। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं देखिए इस साइड पे पॉजिटिव इक्वल टू करके रहते पूरी की पूरी टर्म में यहाँ पे लिखता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से देखिए जे डैश का फॉर्मूला क्या है जे का उल्टा राइट ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं डायरेक्टली सो ये ऊपर में यू कॉमा वी लिखूंगा और यहाँ पे डैबा एक्स कॉमा वाई यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ओके। सो जे डैश आपको क्या करना है इसका उल्टा ऊपर एक्स कॉमा वाई होगा तो नीचे लिखना है और यू कॉमा नीचे होगा तो ऊपर लिखना है। अब आपको क्या करना है दो फंक्शन है ना एफ वन और एफ टू सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिखना है और यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है राइट। अब आप देखे स्टूडेंट्स यहाँ पे डैबा डैबा ब्रैकेट में राइट। सो फंक्शन क्या है एफ वन एफ टू सो यहाँ पे आपको लिखना है एफ वन कॉमा एफ टू ओके और अप वन यहाँ पे भी आपको डैबा करके एफ वन कॉमा एफ टू और यहाँ पे अप वन। सो अप वन पे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डैबा लिखना है राइट। अब आप देखिए यहाँ पे भी आपको डैबा लिखना है राइट। सो ये जो ऊपर की जो टर्म है यू कॉमा वी ये आपको यहाँ पे लिखनी यू कॉमा वी डायरेक्टली यहाँ पे जो x कॉमा वाई ये यहाँ पे लिखना है आपको x कॉमा वाई बस इतना ही ओके। क्या क्या आपने ये जो u कॉमा वी है वो आपने यहाँ पे लिखा और x कॉमा वाई वो आपने यहाँ पे लिखा। सो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर की टर्म है इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर और अपॉन की जो टर्म्स है इसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ये ऊपर की टर्म्स न्यूमरेटर में और जो अपॉन की टर्म्स है इसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। सो पहले n सॉल्व कर लेते n। सो n इक्वल्स टू देखिए
देख से देखे। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अब हम इस रेशियो को डेबा का रेशियो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है एफ वन, यहाँ पे क्या है एफ वन, तो आप एफ वन की तरफ देखिए राइट, और यहाँ पे क्या है एक्स, तो एक्स चेक करें, देखिए यहाँ पे एक्स की टर्म है माइनस एक्स की टर्म, तो आपको एक्स का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, माइनस की टर्म एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, हो गया। अब आपको फिर से एफ वन की तरफ देखना है, वहां पे वाई की टर्म एक है वो चेक करना है, तो एफ वन के इक्वेशन में आपने चेक किया वाई की टर्म है ही नहीं, तो आपको लिखना है जीरो, राइट। अब आपको एफ टू का इक्वेशन चेक करना है, एफ टू का चेक किया आपने एफ टू का, और एक्स की टर्म एक है वो चेक करना है आपको, सो एफ टू के इक्वेशन में एक्स की टर्म है ही नहीं, तो आपको लिखना है जीरो, राइट। और फिर से आपको एफ टू का ही इक्वेशन चेक करना है, और उसमें आपको देखना है वाई है क्या, सो एफ टू के इक्वेशन में आपने चेक किया तो वाई की टर्म है, मीन्स माइनस वाई की टर्म है, तो माइनस एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव होगा वन, इतना है। सो देखिए यहाँ पे माइनस वन इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, देन माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, सो आंसर आया आपका वन, राइट। अब आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट डी, सो डी देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे डी, सो डी के भी इसमें हे रेशियो आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे चेक करिए एफ वन है, सो आपको एफ वन के इक्वेशन में जाना है, और यू की टर्म एक है वो चेक करना है, सो एक वन के इक्वेशन में देखिए यहाँ पे यू की टर्म है, तो यू का तो डेरिवेटिव हो जाएगा वन, मगर उसके साथ कौन सी टर्म है कॉस वी, वो आपको एज इट इज लेनी है कॉस वी, और यू का डेरिवेटिव वन, वो लिखा नहीं तो भी चलता है। देन आपको फिर से एफ वन के इक्वेशन में देखना है वी की टर्म है क्या, सो आपने एफ वन के इक्वेशन में देखा तो वी की टर्म है, मीन्स कॉस वी की टर्म है, तो कॉस वी की टर्म का ही डेरिवेटिव, तो उसके साथ जो टर्म है यू, वो तो आपको एज इट इज लिखनी यू, और कॉस वी का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन वी, राइट। यहाँ पे ये रब कर देना है, क्या है यहाँ पे देखिए यू तो एज इट इज लिखना है, और कॉस वी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वी, ओके। अब आपको एफ टू का इक्वेशन देखना, देखा आपने एफ टू का इक्वेशन, और उसमें चेक करना यू की टर्म है क्या, यस देखिए यहाँ पे यू की टर्म है राइट, सो यू का डेरिवेटिव तो हो जाएगा वन, मगर उसके साथ जो साइन वी है वो आपको एज इट इज लिखने साइन वी, और यहाँ पे देखिए फिर से आपको एफ टू का इक्वेशन देखना है, और एफ टू के इक्वेशन में वी है क्या, सो देखिए एफ टू का जो इक्वेशन है उसमें वी की टर्म है, मीन्स साइन वी की टर्म है, तो यू तो आपको एज इट इज लिखना ही है, यू तो आपको एज इट इज लिखना है, मगर साइन वी का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स कॉस वी, राइट। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले इन दोनों का, इन दोनों का, सो कॉस वी इंटू यू कॉस वी, तो यू तो आपको एज इट इज लिखना है, और कॉस वी इंटू कॉस वी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर वी, देन आपको माइनस लिखना है राइट। अब आपको देखिए यू इंटू माइनस साइन वी इंटू साइन वी, तो आपको पहले यू लिख देना है और ब्रैकेट में माइनस भी लिख देना है, और साइन वी इंटू साइन वी क्या होगा साइन स्क्वेयर वी, राइट ऐसे। तो देखिए यहाँ पे सो यू कॉस स्क्वेयर वी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे यू, ये माइनस और माइनस पे ये यू, और ये साइन स्क्वेयर वी एज इट इज, सो यहाँ पे भी यू है यहाँ पे भी यू है, तो आपको यू कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे भी यू है यहाँ पे भी यू, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी यू अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर वी की टर्म बचेगी कॉस स्क्वेयर वी, प्लस यू अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी साइन स्क्वेयर वी, और स्टूडेंट देखिए यू एज इट इज कॉस स्क्वेयर वी प्लस साइन स्क्वेयर वी होता है वन, राइट ना, कॉस स्क्वेयर वी प्लस साइन स्क्वेयर वी का प्रॉपर्टी क्या है उसका फॉर्मूला होता है वन, सो यू इंटू वन कितना होगा यू, ओके। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपका जे डैश है जे डैश, तो देखिए जे डैश इज इक्वल्स टू एन, एन कितना है आपका एन, एन ए वन, एन की वैल्यू कितनी वन वन, और अपवा डी, डी की वैल्यू कितनी यू, तो आपको लिखना है यू, एंड देन आपको स्टेप थ्री में देखना है कि क्या प्रूव करना है जे जे डैश, तो आपको जे जे डैश इक्वल टू, सो जे की वैल्यू कितनी जे की वैल्यू देखिए जे की वैल्यू यू है, सो जे की वैल्यू यू इंटू जे डैश की वैल्यू कितनी वन अपॉन यू, सो वन अपॉन यू, सो यू और यू अगर कैंसल होगा तो कितना बचेगा वन,
सो यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था कि जे जे डैश इक्वल टू कितना आना चाहिए, वन. सो यहाँ पे आपको लिखना है, प्रूव हो गया ऐसा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर.